हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मेरा नाम है आदर्श। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 13 ऑफ जीके एंड जीएस सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप अपने कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पर @bhupathshala को फॉलो कर लें। और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारतीय संसद में कौन शामिल है? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि भारतीय संसद किस चीज़ों से मिलकर के बनती है? तो जो इंडियन पार्लियामेंट होती है, दिस कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, इन तीनों को मिला करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल बी आवर राइट आंसर, कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज़, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वो भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर, भारत एक राज्यों का संघ है आर्टिकल 1 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन। भारत में कौन सी संसदीय समिति की अध्यक्षता आमतौर पर विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है यानी लोक लेखा समिति, इसकी अध्यक्षता किसी प्रोमिनेंट अपोजिशन के लीडर के द्वारा की जाती है। और जो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और हर साल इसका गठन होता है। जिन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और बाकी 7 सदस्य वो राज्यसभा से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो जो आंध्र प्रदेश है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका स्थापना मतलब जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे कुछ देशों के पार्लियामेंट के नेम दिए गए हैं और बगल में देश लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें चूज करना है कौन सा गलत है। डायट जापान, दिस इज़ करेक्ट। ड्यूमा ऑफ रसिया, ऑल्सो करेक्ट। नीसेट ऑफ इसराइल, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी इज कांग्रेस ऑफ ब्रिटेन, नहीं ये गलत है। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। और जो ब्रिटेन है, इसके संसद का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं इसको। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। और जो ये कांग्रेस है, दिस इज़ पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका इज़ नोन एज कांग्रेस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन, यानी निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी, ही ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1939 बाय, यानी शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को 1739 में कौन ले गया था? तो एक फॉरेन इन्वेडर था, यानी पर्शियन इन्वेडर था नादिर शाह, जिसने 1739 में आक्रमण किया, फिर लूट करके यहाँ से वो मयूर सिंहासन ले गया। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको लूट करके यहाँ से ले गया। क्वेश्चन नंबर एट इज, मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, दिस वॉज डन इन 1906, यानी कि 1906 में किया गया था। और इसकी स्थापना
1906 में ढाका में की गई। ठीक है, सो आगे चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह था, दिस हैपेंड इन 1930 यानी 1930 में हुआ, और 240 माइल्स की पूरी ये यात्रा थी, और ये साबरमती से दांडी तक चली। ठीक है, गांधी जी ने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 10th इज द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स आर नोन एज, भूकंपीय तरंगों की समान तीव्रता के स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें आइसो सिस्मिक लाइन के रूप में के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस, भारत को उसके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण का अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 के तहत, तो जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है ये 33%, 33.3% होना चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th इज देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सो ये जो देवधर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? सो देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए इनसे भी आपको बताते चलता हूँ। यूरो कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। अजलन शाह कप इज रिलेटेड टू हॉकी, एंड बैडमिंटन से सुधीरमन कप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13th इज कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो जो ये कुचिपुड़ी है, दिस इज़ अ फोक डांस ऑफ कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। और दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, और उत्तर प्रदेश से है कथक। ठीक है, अगर वहीं कथक कली आ जाए तो कथक कली इज़ रिलेटेड विद केरल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ। हु अटैक्ट इंडिया इन 1739 AD? 1739 ईस्वी में भारत पर निम्न में से किसने आक्रमण किया? तो मैंने आप सभी को बताया अभी, एक पहले क्वेश्चन था कि जो पिकॉक थ्रोन था उसको लूट करके नादिर शाह ले गया 1739 में, तो इसका आंसर वही होगा, नादिर शाह। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी ध्यान दिया होगा उस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? दिस इज़ अ निक नेम, लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो जापान जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, और नॉर्वे इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिड नाइट सन, और थाईलैंड इज़ नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेयर इज राउरकेला स्टील प्लांट सिचुएटेड? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो जो ये राउरकेला स्टील प्लांट है, दिस इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। और जो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन विच डेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of June। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। और 29 जून को पीसी महलनोबिस, जो प्रशांत चंद्र महलनोबिस थे, उनका जन्मदिन होता है, इसलिए 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। और जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उस वो पीसी महलनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18th इज हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में हुआ, और इस समय भारत का जो वायसराय था दैट वाज लॉर्ड लिथगो। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें, लॉर्ड इरविन के समय में पूना पैक्ट हुआ 1932, इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 में आई गेस, ठीक है। और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन इज़ वेरी फेमस, आप लोग जानते भी होंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ठीक है। आगे चलते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय यही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इज़ अलमाटी डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो ये अलमाटी बांध है दिस इज़ लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये कर्नाटका में, अलमाटी डैम इज़ इन, अगर आए कहाँ पर स्थित है, दिस इज़ इन कर्नाटका, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, हु कंपोज्ड नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो जो नाट्यशास्त्र का कंपोजिशन था दिस वाज डन बाय भरत मुनि, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो अशोकघोष के द्वारा बुद्धचरित नामक किताब लिखी गई थी और वत्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फॉर यू इज़ प्रेजेंटली हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब, वर्तमान समय में पंजाब के गवर्नर कौन है? इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बी एच यू पाठशाला और यूनिवर्सिटी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ़।